अगर आपको मिठाई बनाना मुश्किल लगता है, आपसे मिठाई नहीं बनती है, तो आप ये मिठाई बनाकर खा सकते हैं, क्योंकि यह मिठाई बनाने का सबसे आसान तरीका है। इसे बनाने में ना हमें मावा की जरूरत है, ना चाशनी बनाने की। बिना गैस जलाए बहुत ही कम समय में आप बहुत ही डिलीशियस मिठाई बनाकर खा सकते हैं। देखिए कितनी सॉफ्ट टेस्टी हमारी मिठाई बनकर तैयार हुई है। बिगनर भी यह मिठाई इजीली बनाकर खा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम, मेरे किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में लगी बेल की बटन को दबाकर ऑल पर प्रेस करें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो यह मिठाई बनाने के लिए यहाँ मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है। इसे बारीक वाले ग्रेटर से कद्दूकस कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे कद्दूकस कर लिया है। अब इसे हथेली से अच्छी तरह मसल लेंगे, जिससे यह बिल्कुल स्मूथ हो जाए। तो अभी पनीर हमारा बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। अब इसे किसी कटोरी या कप से मेजर कर लेंगे। तो एक कटोरी पनीर है, अब हम इसमें एक कटोरी मिल्क पाउडर डालेंगे। ज़रूरत होगी तो मिल्क पाउडर और डालेंगे। एक कटोरी पीसी चीनी डाल देंगे। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक चम्मच घी डाल देंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि मिठाई का मिक्सचर थोड़ा गीला लग रहा है, तो अभी हम इसमें आधा कटोरी मिल्क पाउडर और डालकर मिक्स कर देंगे। तो देखिए यह डो जैसा इकट्ठा हो रहा है। अब मैं इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, क्योंकि यह थाली में काफ़ी चिपक रहा है। अब इसमें से चौथाई पोर्शन अलग कर लेंगे। अब जो थोड़ा वाला पोर्शन है, इसकी हम मिठाई के लिए स्टफिंग बनाएंगे। इसके लिए इसमें 2 चम्मच नारियल का बूरा डाल देंगे, चुटकी भर इलायची पाउडर डाल देंगे, 2 ड्रॉप येलो फूड कलर डाल देंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसको इस प्रकार से रोल कर लेंगे, जैसा कि मैं कर रही हूँ। अभी यह रोल हो गया है, इसे साइड में रख देते हैं। अब जो हमने ज़्यादा वाला पोर्शन रखा था, इसका भी मोटा रोल बना लेंगे। इसके बाद इसे हाथ से दबाकर चपटा कर लेंगे, जैसा कि मैं कर रही हूँ। अब हम इसमें येलो वाला रोल जो बना कर रखा है, इसके बीच में रख देंगे और इसे इस प्रकार से कवर कर देंगे। अभी रोल थोड़ा बड़ा हो गया है, तो मैं इसे 2 पार्ट में कट कर रही हूँ। अब इसे अच्छे से कवर करके इस तरह से रोल बना लेना है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा नारियल का बूरा डालकर रोल कर लेंगे। अभी इसके ऊपर सिल्वर वर्क लगा देंगे, जिससे यह देखने में और भी अच्छा लगे। यह ऑप्शनल है, आपके पास है तो लगा दीजिए, वरना बिना इसके भी आप मिठाई बना सकते हैं। अब इसे पेड़े के साइज का कट कर लेंगे। आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे रोल शेप में बना रही हूँ। इसे हथेली से इस प्रकार से हल्के हाथ से रोल कर लेंगे। एक और बनाकर दिखाती हूँ। पहले कट कर लेना है, फिर इस प्रकार से रोल कर लेना है। ऐसे ही हमें सभी मिठाई बना लेना है। तो इस तरह से मैंने सारी मिठाई बना ली है। देखिए कितनी सॉफ्ट और टेस्टी मिठाई बनकर तैयार हुई है। देखने में कितनी डिलीशियस लग रही है, जिसे देखकर खाने का मन करे। अब आप भी मेरी रेसिपी से यह मिठाई बनाइए, खाइए और खिलाइए। मुझे उम्मीद है यह रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खाते रहिए, खिलाते रहिए और एंजॉय कीजिए।